सिधौली में भाजपा ने विजय जुलूस निकालकर जीत का जश्न मनाया। जगह जगह पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विधायक का किया भव्य स्वागत। जुलूस में बुलडोजर बना रहा आकर्षण का केंद्र। पद्मा लान में मनाया गया हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम। जनपद सीतापुर के विधानसभा 152 सिधौली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनीष रावत को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद समाज पार्टी के लोग आए आकर के और भारतीय जनता पार्टी के लोग सब लोग मिलकर के ये चुनाव मनीष रावत नहीं लड़े,
कि चुनाव क्षेत्र की जनता लड़ी, उस क्षेत्र की जनता ने लड़ करके ये चमत्कार दिखाया, 41 साल का अधिकार दिखा दिया। इसके लिए हम संगठन के सभी लोगों का, जिम्मेदार व्यक्तियों का, शीर्ष लोगों का, नेतृत्व का, समाज भारतीय जनता पार्टी परिवार का, मैं माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय योगी जी भैया आप विधायक बन गए, सर्वप्रथम आपका क्या काम होगा? देखिए मैंने कहा था ना, मैंने पहले भी कहा था, आपने सुना था, मैंने कहा था मैं जीतने के बाद मैं फिर अपने लोग बैठा लूंगा कि जो लोग क्षेत्र में जनता के बीच वोट मांगने गए उन लोगों को मैं जिम्मेदार लोग बैठा करके मैं उससे पूछूंगा कि आप मांगने गए थे तो आपको क्या समस्याएं दिखी थी, लोगों आपने जब वोट मांगा था तो क्या वादा करके वोट मांगा था। मैंने मन से भी कहा है जो वादा आपने किया था उनके वादे मैं लिखूंगा, नोट करने पाँचों साल उनके ही दिए हुए कार्य के, क्षेत्र के जनता का दिया हुआ ही कार्य मैं उस लेटर पैड पे लिख के ही मैं शासन देने काम करूँ, वही मैं काम कराऊंगा। मेरी प्राथमिकता है, मैं ये भी सोचता हूँ कि बेहतर सड़कें हों, बेहतर स्वास्थ्य हो, बेहतर चिकित्सा हो, सिंचाई के अच्छे साधन हो, अच्छी लाइफ हो, तो ये मेरी प्राथमिकता है और मैं इस पर काम नहीं करूँगा। बच्चों को खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड हो और मेरा पूरी प्राथमिकता रोजगार के लिए कुछ उद्योग आए और रोजगार भी क्यों लखनऊ से पास में है, लखनऊ से लगा हुआ है, ताकि उनका बनाए सिधौली से लखनऊ में। भैया जो सपा से लड़ रहे थे वो कह रहे थे जीतने के बाद एक लिस्ट तैयार की गई है, सभी को देख लेंगे उसके ऊपर। ठीक है ऐसा ना, उन्होंने लगातार हर व्यक्ति को देखने की बात कही, वो हमेशा यही कहते थे मैं देख लूँगा, मैं रजिस्टर वो कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि आप लोग ललिता देवी क्यों जाते हो, ललिता मैया तुम क्या दे देती हैं, जो देंगे हम देंगे हमारे पास आओ। ये भी कहा किसी माइकल औकात नहीं जो चुनाव हरा दे। उन्होंने ये भी कहा कि जो विरोध कर रहे हैं वो अपना घर देख लें, सीतापुर लखनऊ में, लखनऊ व्यवस्था कर लें। तमाम जब काउंटिंग में गए तो उन्होंने कहा नए जूते पहन चलना वहाँ सब लोग, ये भी उन्होंने कहा लोगों से। तो ऐसा ना, ये सब जो आप बोल रहे हैं, मैंने कहा ना कि क्षेत्र की जनता विधायक बनाती है, उस विधायक ने उनको देख लिया और दिखा दिया, अब वो चले गए। भैया उन्होंने एक बयान दिया था गाय के ऊपर, हाँ, कि हम सरकार बनने पर गाय को जो है दुधवा नेशनल पार्क भेज देंगे। देखिए ऐसा ना, मैंने कहा ना कि उन्होंने वो उनका एक लगातार विवाद करना, गलत बोलना, ये संस्कार में नहीं है। उनको नहीं पता है गाय माता के बारे में, उनको नहीं पता है, तो उनको नहीं पता है तो इस, अब मैं उससे कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ये उनका व्यक्तिगत मामला था। मैं इतना जानना चाहता हूँ जिस भरोसे पे सिधौली क्षेत्र के लोगों ने मुझे बनाया है, मैं पूरे निष्ठा ईमानदारी साथ पाँचों साल माननीय विधायक जी मैं काम करूँगा। माननीय विधायक जी आपको एक था, आपने एक तरह साल बाद सिधौली का सूखा खत्म किया है, क्या मंत्रिपरिषद में आपको जगह मिलने वाली है? मैं देखिए मेरी बहुत महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं विधायक बन गया तो सिधौली मुझे सब कुछ मिल गया, सिधौली क्षेत्र के लिए विकास करने के लिए साधन मिल गया, मुझे लेटर पैड मिल गया, अब मैं इससे सब करा लूँगा, जो भी काम नहीं होने और वो भी करा लूँगा। बाकी संगठन नेतृत्व का फैसला, जो फैसला होगा वो मैं इसका सम्मान लूँगा, मैं पालन करूँगा। मैंने कहा था मैं जहाँ था मैं वहाँ पूरी निष्ठा के साथ था, आज मैं यहाँ हूँ पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में हूँ। आज दूसरा दिन एक ही दिन रुका हूँ मैं, अगले दिन मैं यहाँ आ गया हूँ। मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है घर में, मुझे खुद अच्छा लगता है आप लोगों को रहना, मैं अपनों के बीच जनता की उम्मीद है कि आप मंत्री बने, तो ये सब आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जो भी आप तय करेंगे। जो जानवर से जनता परेशान थी इसके लिए सरकार और आप क्या करेंगे? देखिए मेरा बुरा है, जो भी हर गांव में जो ग्राम समाज की जमीन पड़ी हुई है उन जमीनों पे हम लोग अच्छे से गौर करा के गौशाला बनवाएंगे, गौशाला विधोत बनवाई जाएगी, पानी की उचित व्यवस्था कराएंगे, उसके साथ साथ उनकी चारी व्यवस्था अच्छे से कराई जाएगी। और हमारा ये भी मैंने सोच रखा है कि ऐसा कुछ बनाएंगे कि किसी NGO को भी हम इन्वॉल्व करेंगे, ताकि उसका दूध भी मार्केट हमारा मार्केट बिके, उससे गोबर की खाद से भी उसका उपयोग हो, गौमूत्र का भी उपयोग हो, और ताकि लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, मैं उस पर काम करूँगा। इसके लिए चाहे मुझे चाहे जहाँ तक जाना पड़े, मुझे निद से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी तक, मुझे जो भी फंड लाना पड़ेगा मैं लाऊँगा। मैंने कहा ना जो पीड़ा मेरे क्षेत्र के लोगों की है वो मेरी पीड़ा है, मैं उसके लिए लड़ता रहूँगा। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद।